हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.1 क्लास प्लस वन स्ट्रेट लाइन सेकंड लेक्चर है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन हमने फर्स्ट लेक्चर में एंड बेसिक्स जो थे वो फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे। अब सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द बेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड्स 2a लाई अलोंग द वाई एक्सिस। क्वेश्चन में क्या दिया आपको, ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये जीरो जीरो पॉइंट होता है आपको पता है। ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 2a है, तो ऑब्वियस है 0a, यहाँ 0 माइनस a होगा। a नीचे भी और ऊपर भी, टोटल कितनी बन गई जी 2a। इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया है इन्होंने, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो थर्ड पॉइंट सपोज यहाँ पे या इस साइड बनेगा, दोनों में से एक साइड बनेगा, वैल्यू कितनी होगी उसकी, सपोज x, सपोज वैल्यू कितनी होगी x, y की वैल्यू कितनी होगी जी, x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू जीरो होती है। ये डिस्टेंस कितनी है 2a, ये भी कितनी है 2a, क्योंकि बताया क्वेश्चन में ये भी कितनी है 2a, क्योंकि क्वेश्चन में हमको बताया गया है इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा यहाँ पे, इसका नेम सपोज a, सपोज b, सपोज p, तो पी ए निकाल लेंगे, कैसे निकलेगी, पी ए निकाल लेते हैं। फर्स्ट में से फर्स्ट एक्स माइनस जीरो स्क्वेयर, एक्स माइनस जीरो स्क्वेयर जीरो माइनस ए स्क्वेयर का रूट इज इक्वल टू 2a, क्या बन गया जी एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू, स्क्वेयर हटा के रूट हटा के स्क्वेयर कर दिया, तो एक्स स्क्वेयर कितना आ गया जी 3a स्क्वेयर, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई जी प्लस माइनस रूट 3a, तो एक्स की वैल्यू ये पॉइंट क्या आ गया आपके पास में प्लस माइनस रूट 3a 0। ये प्लस माइनस रूट 3a इस तरफ भी हो सकता है, प्लस वाला होगा तो इस तरफ, माइनस वाला होगा तो इस तरफ, तो दोनों आपके आंसर आ गए प्लस माइनस रूट 3a। क्वेश्चन देखते हैं और क्या पूछा गया आपसे। इक्विलेटरल ट्राइंगल वाई एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट इज द ओरिजिन, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। तीनों हो गए एक दो एंड तीन, तीनों पॉइंट हमने सॉल्व कर लिए जी, ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन करेंगे अभी, सिंपल क्वेश्चन था जी, बेसिक समझने की जरूरत थी। थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं जी, पहले सेकंड किया था मैंने, उसमें मार्क वन का लिखा रह गया था, मार्क था उसका टू, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन तो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, तो अभी थर्ड क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, पी एंड क्यू के बीच में डिस्टेंस पता करनी है आपने, पी पॉइंट गिवन है, क्यू पॉइंट गिवन है, इसके बीच में आपने डिस्टेंस पता करनी है। वैल्यू मेंशन है आपके पास में, पी का पॉइंट है जी एक्स वन वाई वन, क्यू का पॉइंट है जी आपके पास एक्स टू वाई टू, ये आपको पी एंड क्यू मेंशन है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू वेन पी क्यू इज पैरल टू वाई एक्सिस, पी क्यू इज पैरल टू वाई एक्सिस, ये आपके पास में क्वेश्चन है, ये आपके पास में क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जी आपके पास में। तो वाई एक्सिस के पैरलर में होने का मतलब क्या है, स्लोप जो है पी क्यू की, स्लोप, स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की स्लोप मैंने लास्ट वीडियो में बेसिक में बताया आपको क्या होती है, वन अपॉन जीरो, वाई एक्सिस की स्लोप इन्फिनिटी होती है। और पी क्यू की यहां से निकाल लेंगे एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जी, जीरो इज इक्वल टू, ये जीरो बन गया, वाई टू माइनस वाई वन मीन्स वाई टू इज इक्वल टू वाई वन, फिर से चेक कर लीजिए, सॉरी स्लोप का फॉर्मूला क्या था हमारा, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स टू इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स टू इज इक्वल टू एक्स वन, ये हमने एक रिलेशन निकाल दिया। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या है,
पी क्यू की डिस्टेंस निकालनी है तो एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वेयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वेयर। एक्स टू माइनस एक्स वन की वैल्यू क्या है? जीरो। जीरो प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वेयर का रूट, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? वाई टू माइनस वाई वन प्लस ही रहेगा क्योंकि स्क्वेयर है, तो आंसर ऑलवेज प्लस में आएगा। तो पी क्यू की डिस्टेंस आ गई आपके पास में, फर्स्ट पॉइंट हमने निकाल दिया वाई टू माइनस वाई वन। सेकेंड को पार्ट इसका बिल्कुल सेम है जी। अब उन्होंने बोला पी क्यू इज पैरल टू एक्स एक्सिस, सेकेंड पार्ट करेंगे। ये था फर्स्ट पार्ट, अभी सेकेंड पार्ट कर रहा हूँ। तो क्या लिखा है? पी क्यू इज पैरल टू एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के पैरलर होगा तो स्लोप क्या होगी? एक्स एक्सिस के इक्वल। एक्स एक्सिस की स्लोप क्या होती है जी आपकी? जीरो। तो यहां से आपके पास वैल्यू क्या आएगी? वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इसकी इस तरफ मल्टीप्लाई, इसकी इस तरफ। अभी आप क्या वैल्यू फिलअप करोगे फिर डिस्टेंस में? वाई टू माइनस वाई वन इज जीरो, तो पी क्यू क्या आ गई आपके पास में? एक्स टू माइनस एक्स वन, ये आ गया जी आंसर। मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन सिंपल था लिखने में, कई बार आपको लगता है बड़ा लेंथी किया। इन्होंने पूछा था पी क्यू की डिस्टेंस निकालिए, एक बार वो एक्स एक्सिस के पैरलर है, एक बार वाई एक्सिस के पैरलर है। अगर एक्स एक्सिस के पैरलर है तो स्लोप एक्स एक्सिस वाली उठा लो, अगर वाई एक्सिस के पैरलर है तो स्लोप वाई एक्सिस वाली उठानी है हमने। एक्स एक्सिस के पैरलर है तो स्लोप जीरो हो गई, हमने जीरो भर दिया, वाई टू माइनस वन जीरो आ गया, डिस्टेंस फार्मूले ने भरा, सम सॉल्व हो गया। ये था हमारा थर्ड का सेकंड पार्ट। अभी फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है जी, टेंथ क्लास में भी था, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट लेना है तो ऑब्वियस है वाई की वैल्यू क्या होगी? जीरो। एक्स एक्सिस के ऊपर वाई क्या होता है? जीरो। इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेवन सिक्स एंड थ्री फोर, इन दोनों से बराबर दूरी पर है, इक्वल डिस्टेंस। तो ऑब्वियस है डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, पी ए इज इक्वल टू पी बी। ये हमारा क्वेश्चन है। पी ए कैसे निकालोगे? फर्स्ट को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट, सेकंड में से सेकंड सब्ट्रैक्ट। पी बी कैसे निकलेगा जी? फर्स्ट में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट, सेकंड में से सेकंड सब्ट्रैक्ट। ब्रैकेट खोलते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 49, 49 माइनस 14x प्लस 36, एक्स स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 16, एक्स स्क्वेयर विल कैंसिल। ये 14x इस तरफ जा करके क्या बन गया जी? 8x। ये दोनों का प्लस करेंगे 85 आ जाएगा, चेक कर लें आप। इन दोनों का प्लस 25, इस तरफ आकर के माइनस, तो 60 इज इक्वल टू 8x, एक्स इज इक्वल टू 60/8। 4 पे चला जाएगा जी, 15/2 मीन 7.5। एक्स की वैल्यू निकाल ली हमने। ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन का बेस समझना है बिल्कुल, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। इक्विडिस्टेंस है तो पहले से दूरी और दूसरे से बराबर होगी, ले ली। आगे तो कैलकुलेशन है जी। पॉइंट क्या आ गया? 7.5 एंड 0। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। अभी करेंगे जी फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस वन। एक लाइन की स्लोप पता करनी है जिसके एक एंड पे क्या है? ओरिजन है, और दूसरे एंड के ऊपर क्या है? मिड पॉइंट ऑफ। किस किस का मिड पॉइंट लेना? पी एंड बी, ये पॉइंट मिड पॉइंट में से ये लाइन पास करते हैं, इसकी स्लोप पता करनी है हमको। सपोज इसका नाम रख लो ए, इसका नाम रख लिया ओ, तो स्लोप ऑफ ओ ए फाइंड आउट करनी है आपने। क्वेश्चन समझ आना चाहिए जी। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू रीजन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो स्लोप के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ऑब्वियस दो पॉइंट चाहिए, दूसरा पॉइंट पता करना पड़ेगा। तो ए क्या है जी? ए इज द मिड पॉइंट ऑफ पी वी। मिड पॉइंट कैसे निकालते हो जी?
फर्स्ट का फर्स्ट से सम बाय टू, सेकंड का सेकंड से सम बाय टू, फोर एंड माइनस टू आ गया जी आपके पास में मिड पॉइंट। ये कितना आ गया पॉइंट, फोर एंड माइनस टू। अभी स्लोप निकालोगे तो फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस माइनस टू माइनस जीरो, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, आंसर क्या आ गया जी आपके पास में, माइनस वन बाई टू। ये था आपका क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। सिंपल था जी, स्लोप चाहिए थी, दो पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट गिवन था, दूसरा मिड पॉइंट की हेल्प से निकालना था। क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी, फिफ्थ क्वेश्चन था। अभी सिक्स करेंगे, सिक्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है जी सिक्स क्वेश्चन, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस, आपके पास ट्राइंगल के दो पॉइंट्स है जी, तीन पॉइंट्स नहीं है, फोर फोर थ्री फाइव माइनस वन एंड माइनस वन, ये पॉइंट्स दिए गए हैं। नेम सपोज कर लिया हमने ए बी सी, आपने शो करना है ये वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है। पाइथागोरस होता तो हम करते हाइपोटेन्यूज का स्केयर इज बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर, पर इन्होंने बोला विदाउट यूजिंग पाइथागोरस, तो हम स्लोप्स यूज करेंगे। पॉइंट्स दिए गए हैं जी, स्लोप की यूज करेंगे। मैंने आपको पढ़ाया है दो लाइंस की स्लोप की मल्टीप्लाई अगर माइनस वन हो जाए तो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। हम निकालते हैं स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी फॉर्मूला क्या रहता है जी, वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन। क्या आ गया जी वैल्यू, क्या आ गई आपके पास में, वन अपॉन माइनस वन, ई मीन्स माइनस वन। नेक्स्ट निकालते हैं जी स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी इन दोनों का, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस सिक्स अपॉन माइनस फोर, थ्री बाय टू आ गया जी कैंसिल करने के बाद। अभी नेक्स्ट करते हैं स्लोप ऑफ सी ए, क्या आएगा जी, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, सेम है ना जी, क्योंकि तो माइनस फाइव अपॉन माइनस फाइव, माइनस फाइव अपॉन माइनस फाइव, वाई टू माइनस वन एक्स टू फोर, सेम है तो वन आ गया। तो आप देख रहे हो ए बी की स्लोप, स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई विद स्लोप ऑफ सी ए इज इक्वल टू वन इंटू माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन। तो दो लाइंस की स्लोप इसकी और इसकी की मल्टीप्लाई माइनस वन आ गया, तो इनमें एंगल कितना होगा, तो सी ए एंड ए बी के बीच में एंगल कितना है जी, 90 डिग्री। ये डायग्राम तो हमने बेसिकली बनाया था, अभी ए बी सी की आप पॉइंट्स ले रहे हो, तो इन दोनों में एंगल 90 डिग्री है, तो मीन्स ये क्या है, एक राइट एंगल है। तो सिक्स क्वेश्चन था, बेसिक क्या था इसमें, तीन पॉइंट्स दिए गए, आपने स्लोप निकाल ली, अगर स्लोप की मल्टीप्लाई माइनस वन आ जाती है तो राइट एंगल है, नहीं तो नहीं है। ये था आपका सिक्स क्वेश्चन। सेवन्थ करते हैं जी, सेवन्थ क्वेश्चन है जी, आपको दिया गया एक लाइन है एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, वाई एक्सिस के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रही है, एंटी क्लॉकवाइज है, वाई एक्सिस के साथ में 30 डिग्री का, तो एक्स एक्सिस के साथ में कितना हो जाएगा जी, ये कितना होता है यहां से यहां तक 90, तो टोटल कितना हो गया जी, टोटल 120। मैं फिर से बना देता हूं, यहां से यहां आपको पता 90 है, ये वाली लाइन है ये कितना बना रही है 30, ये 90, तो टोटल कितना हो गया 120। तो फॉर्मूला क्या होता है स्लोप निकालने का, टैन थीटा, स्लोप निकालने का फॉर्मूला टैन थीटा। आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हुए 180 को क्या लिख सकते हो आप, 180 माइनस 60, 120 को। सेकंड क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव होता है, टैन 60 की वैल्यू √3। यह है आपका आंसर, सेवन्थ क्वेश्चन की स्लोप माइनस √3। एट्थ क्वेश्चन करते हैं जी, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन एट्थ। पॉइंट्स दिए गए आपको x माइनस वन टू थ्री टू वन फोर फाइव, ये आपको दिया गया है जी, कुलीनियर है ये आपको दिया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स आर कुलीनियर,
कोलिनियर मैंने पढ़ाया था आपको, अगर तीन पॉइंट कोलिनियर हैं, लास्ट वीडियो आप चेक कर सकते हो, मैंने बेसिक्स में बताया, तो आप इसकी स्लोप निकाल लो, इन दोनों की स्लोप निकाल लो। स्लोप्स क्या, कोलिनियर मैंने सेम लाइन है तो स्लोप्स क्या होंगी, बराबर। मीन्स स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। वैसे अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, आप एरिया की यूज करके भी कर सकते हो। तीन पॉइंट है, कोलिनियर है, उनका एरिया जीरो भर दो, एरिया वाला फार्मूला भी लग सकता है, जो आपकी मर्जी। तो ये इजी है, ए बी लेंगे हम, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, फार्मूला लगा दिए जी। सिमिलरली यहाँ पे वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन, टू अपॉन टू माइनस एक्स, फोर अपॉन टू, कैंसिल करके टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जी, टू इज इक्वल टू टू माइनस एक्स टू, इस तरफ चला गया, टू टू कैंसिल, वन इज इक्वल टू टू माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू टू माइनस वन इज इक्वल टू। ये था आपका क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन। बेसिक्स क्या था, कोलिनियर थे तो स्लोप्स जो है वो इक्वल आएगी, स्लोप्स ली इक्वल कर दी, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे। ये था आपका जी एट्थ क्वेश्चन। नाइन्थ करेंगे अभी, नाइन्थ क्वेश्चन अभी। फिर हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज नहीं करना, हमको चार पॉइंट्स दिए गए हैं, शो करना है ये पैरलोग्राम के हैं। पॉइंट्स कौन कौन से हैं, माइनस टू माइनस वन, फोर ज़ीरो, थ्री थ्री, माइनस थ्री टू, ये सपोज ए बी सी डी है। आपको शो करना है ये पैरलोग्राम है। पैरलोग्राम कब होगा जी, अगर अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरलर हो, मींस ये लाइन इसके पैरलर हो, ए डी पैरलर टू बी सी एंड ए बी पैरलर टू सी डी। अगर ये हो जाए, अपोजिट साइड पैरलर हो जाए, तो पैरलोग्राम बन जाएगा। पैरलर के लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको, स्लोप। तो मैं निकालता हूँ स्लोप ऑफ ए बी, क्या फॉर्मूला था जी, वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन, वन अपॉन सिक्स, ए बी की आ गई। स्लोप ऑफ डी सी या सी डी निकाल लेते हैं, पहले ये निकाल लेते हैं, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, क्या आ गई जी, वन ओवर सिक्स। मीन्स इनके दोनों की स्लोप्स क्या आ गई, आपस में इक्वल आ गई। अब देखते हैं बी सी की स्लोप, स्लोप ऑफ बी सी, वाई टू, वाई टू थ्री माइनस वाई वन ज़ीरो, एक्स टू थ्री माइनस एक्स वन फोर, थ्री अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू माइनस थ्री। अभी स्लोप निकालते हैं हम ए डी, वाई टू टू माइनस वाई वन माइनस थ्री माइनस टू, टू माइनस थ्री माइनस बीच में माइनस वन माइनस टू, थ्री अपॉन माइनस थ्री प्लस टू, कितना आ गया जी माइनस थ्री, सेम आ गया। तो इन दोनों की स्लोप सेम आ गई, इन दोनों की स्लोप सेम आ गई। अगर सेम आ गई तो लाइंस क्या है, पैरलर है। अगर अपोजिट लाइंस पैरलर हैं तो क्वाड्रिलेटर क्या बना आपका, ये एक पैरलोग्राम है। ये हमने किया जी नाइन्थ क्वेश्चन।